करते हैं एक पांचवें मुद्दे की, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो इनकी एमबी वैली सिटी थी उसको भी बेचने की पूरी तैयारी हो रही है। और यहाँ पे अगर विश्वस्त सूत्रों से ये मालूम हुआ है कि जो एमबी वैली सिटी थी उसमें दो लोगों ने अपनी हाजिरी लगाई है, मतलब कि उसको खरीदने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए हैं, लेकिन ये अभी भी किसी को नहीं मालूम है कि उन लोगों ने, किस लोगों ने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स केवाईसी वगैरह सबमिट किए हैं। ये अभी नाम खुल के नहीं आ पा रहा है, लेकिन ये चीज़ क्लियर हो गई है कि वहाँ दो लोगों ने अपनी गोली लगाने के लिए याचिका दाखिल कर दी है। अब अगर बात करते हैं कि अगर एम्बे वैली सिटी हमारी बिकती है तो क्या इन्वेस्टर के पेमेंट होंगे, लेकिन अभी ये भी हुआ को की स्थिति में है कि ज़रूरी नहीं है कि एम्बे वैली सिटी हमारी अगर बिक जाती है, नीलाम हो जाती है, तो उससे पेमेंट पे इन्वेस्टर के पेमेंट होंगे, क्योंकि उस पर भी मैटर आएगा सारा सेबी का कि वो भाई जो भी अमाउंट अगर वहाँ का जो निकल के आ रहा है वो भी सारा सेबी अकाउंट्स में डिपॉजिट होगा। अगर वो भी डिपॉजिट होगा तो जो पैसा हमारा आज भी हमारा जो 24,000 करोड़ जो फंसा हुआ है सारा सेबी फंड में, तो वो भी एज एक बिल्कुल एक तरीके से फ्रिज पड़ा हुआ है और बाकी अमाउंट भी आके उसमें फ्रिज हो जाएगा। तो उससे कोई ऐसा मैटर नहीं आ रहा है कि किसी तरीके से इन्वेस्टर के पेमेंट्स हों। तो एम्बे वैली सिटी जो हमारी इतनी बड़ी थी, वहाँ पे चूँकि एक इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारा सारा सी का कि भाई उस प्रोजेक्ट को इतना अच्छा बनाएंगे, और वहाँ पे करीब करीब जितना भी जो स्पॉन्सरशिप जो इनकी थी ऑलरेडी क्रिकेट टीम की, वो पूरी पूरी सारा के पास ही थी। लेकिन आने वाले समय में ये धीमे धीमे इनकी जो स्पॉन्सरशिप थी वो भी कट गई, क्योंकि जिस तरीके से सारा और सेबी का प्रकरण मतलब आगे बढ़ता चला गया तो इनकी सारी चीज़ें धीमे धीमे क्या हुई, निगेटिव होती चली गई। इनके जो चैनल्स वगैरह थे उनकी टीआरपी वगैरह भी घट के नीचे आ गई। इन्होंने सारा एयरलाइंस बेच दी, तो उससे ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कंपनी के पास फंड की कमी है, जिससे वो आज की डेट में कभी ये प्रोजेक्ट सेल कर देती है, कभी वो प्रोजेक्ट सेल कर देती है। अभी जब हमारे सारा श्री तिहाड़ जेल में थे तब ये हो रहा था कि भाई कुछ अमाउंट हमको सारा सेबी में जो मांगा गया था वो जमा करवाना था। सारा की तरफ से सेबी ने डिमांड की थी कि ये अमाउंट आपको जमा करना है, तो उन्होंने वहाँ पे अपने जो ऑलरेडी दुबई में या बाहर की सिटी में हमारे आउट ऑफ इंडिया में जो उनके होटल्स थे या कुछ मॉल बने हुए थे, तो उसको सेल आउट करने के लिए यहाँ पर बात हुई, लेकिन जो गोली लगी वो ऑलरेडी उससे भी कम में लगी, तो उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया कि भाई कोई भी चीज़ हम अपने एक अमाउंट से नीचे नहीं भेजेंगे, मतलब अगर हमारा इतना अमाउंट इन्वेस्टेड है तो उस अमाउंट से अगर बात की जाए तो हम उससे नीचे की कोई भी चीज़ को नहीं भेजेंगे, तो वहाँ की डील वो कैंसिल हो गई। बात अब आती है एम्बे वैली सिटी की, तो एम्बे वैली सिटी में गोली लग रही है, अब दो लोगों ने वहाँ पर अप्लाई भी किया हुआ है, लेकिन अभी ये कुछ भी नाम सामने नहीं आ रहा है कि किन लोगों ने वहाँ पर गोली लगाई है और किस तरह की गोली लगेगी और किस तरीके से उसका सौदा होगा, ये अभी एक सस्पेंस बना हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं तो उसमें हमारा जो इन्वेस्टर है वो पूरा पिस रहा है, और सबसे ज़्यादा हमारे इन्वेस्टर को ही एक सारी चीज़ों का जिम्मा दे दिया गया है कि भैया आपको पेमेंट नहीं मिला, आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहिए। तो इन्वेस्टर तो ये नहीं करेगा कि भाई वो जाके कोई तोड़ फोड़ कर दे या कहीं पे पत्थरबाजी करे या जुलूस निकाले, भाई इन्वेस्टर आपका है या हमारा है कोई भी हो, तो वो अपने हिसाब से सोचता है कि भाई हमारा बिना लड़े झगड़े हमारा पैसा मिल जाए हमारे लिए बहुत है। क्योंकि इन्वेस्टर ने अपने खून पसीने के कमाई से छोटा छोटा अमाउंट जोड़ के आज बड़ा एक अमाउंट बनाया है, लेकिन उस अमाउंट को आज उसको नहीं मिल पा रहा है, तो करीब इतने साल निकल गए हैं लेकिन उसको अपने अमाउंट के लिए इतने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं जिसमें कि उसको समय सीमा उसकी भी ख़त्म हो गई है। अब आदमी ये सोच रहा है कि भाई हमारा पेमेंट मिलेगा कि नहीं, लेकिन अभी मैंने जो आपको तीसरे पहलू के बाद चर्चा की थी जिसमें मैंने आपको बताया कि चूँकि बाकी जो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग थे वो बाहर चले गए, आज उनके लिए कोई भी कानून नहीं बना है कि उनको वापस इंडिया लाया जा सके, लेकिन आज भी हमारे सारसी हमारे अपने सरजमी में हैं, यहाँ पे हैं और कोशिश पूरी करवा रहे हैं कि जितनी जल्दी सके हम लोगों के पेमेंट्स, इन्वेस्टर के पेमेंट उनको वापस मिल सकें, ताकि हमारा इन्वेस्टर भी एक राहत की सांस ले कि उसके पेमेंट्स कम से कम मिलने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों आगे आने वाले समय में ये पेमेंट्स किस तरीके से शुरू होंगे ये अभी बताना हमारे लिए भी मुश्किल है। अगर कोई भी नया अपडेट्स आता है
तो मैं आपके सामने एक बार फिर से रूबरू होऊंगा और नई जानकारी के साथ आपको उसकी जानकारी जरूर से जरूर दूंगा। पॉइंट से हम आते हैं और ये बताते हैं कि अगर हम जो बड़े बड़े व्यापारी थे या बड़े बड़े हमारे बिजनेसमैन थे, अगर हम बात करते हैं किंग सीसर के मालिक विजय माल्या की, जो कि इन्होंने कितना करोड़ों का कर्ज लिया, बैंकों ने उनके कर्ज को प्रोवाइड करवाया और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन के अमाउंट में पैसा दिया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि विजय माल्या अपने भारत को छोड़ कर ही चले गए। तो आज हमारे जितने भी बैंकों के एनपीए हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारे जो उच्च वर्ग के लोग थे जिनको लोन सैंक्शन किए गए, उसमें हमारे एनपीए सबसे ज़्यादा बैंकों का हो गया। लेकिन अगर बात करते हैं अपने सारा सिटी की या सारा हमारे जो मुखिया हमारे हैं सुब्रत सारा जी, तो उनकी अगर बात करें तो आज भी वो हमारे भारत में ही हैं, क्योंकि पहले उनको ऑलरेडी कस्टडी में रखा गया था जो कि तिहाड़ जेल में थे, लेकिन जब उनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ तो उनको पैरोल पे बाहर कर दिया गया, तो आज भी वो पैरोल पे बाहर हैं। तो इससे हमें या हमारे जो भी इन्वेस्टर हैं या जो हमारे कर्मचारीगण हैं, तो उनको ये आशा तो नहीं छोड़नी चाहिए कि हम लोग के पेमेंट नहीं होंगे, क्योंकि अगर उनको भी अगर जाना होता तो वो कब के बाहर चले जा चुके होते, कानपुर छोड़ के या अपने इंडिया को छोड़ के बाहर जा चुके होते, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो एक आज भी हमारे पास एक आशा है कि आने वाले समय में हम लोगों को पेमेंट बिल्कुल मिलेंगे और पूरे इंटरेस्ट के साथ मिलेंगे जितना भी हमारा डिले हुआ है। तो बस ये कहने का मेरा एक तात्पर्य है कि जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको बैंक उस तरीके से कर्ज दे देता है, लेकिन जिस तरीके से अगर छोटा व्यापारी अगर कर्ज मांगने जाता है तो उसको दुष्कार के बाहर भगा दिया जाता है। ये बिल्कुल रियलिटी है कि आपको अगर 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, अगर आप बैंक में जाके बोलते हैं कि भाई मेरे को मुद्रा लोन चाहिए, तो बैंक वाला सीधा ये बोलता है कि भाई हमारे यहाँ कोई लोन नहीं होते हैं, हमारे यहाँ से सारे लोन बंद हैं। जबकि वही बैंक अपने मिलीभगत से पता चलता है करोड़ों को लोन बांट देती है, जो कि बाद में कभी भी वो पेमेंट्स वापस नहीं आता है और बैंक का एनपीए खड़ा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी एक साजिश के तहत होते हैं। तो अगर यहाँ पे जिसको ज़रूरत होती तो उसको कभी कोई चीज़ नहीं मिल पाती, लेकिन जिसको जिसके पास पैसा है वो अपना रुतबा दिखाता है और उसका पेमेंट्स लोन सैंक्शन बड़े बड़े होते हैं और बाद में पता चलता है कि वो इंडिया छोड़ के ही बाहर चला जाता है। आज की डेट में और भी कई कंपनियां हैं जिन कंपनियों के मालिक हैं जो जिन्होंने यहां से पैसा इकट्ठा किया और बाहर के देशों में शिफ्ट हो गए, जहां पे हमारे जो भारतीय कानून है वहां पे उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है और ना वहां पे कहीं उनकी गिरफ्तारी का भी कोई प्राविधान है। तो दोस्तों बस मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से सारा श्री हमारे आज की डेट में अपने शहर में है, अपने जहाँ पे पैतृक निवास में है, तो वो कोशिश कर सकते हैं कि जितनी जल्दी पेमेंट्स हों, और हम लोग को भी एक आशा नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि आज वो हमारे देश में अपने सरजमीन में बने हुए हैं। अगर ये भी छोड़ के अगर चले जाते तो फिर क्या होता, ये तो आप समझ सकते हैं। और आज अगर हम देखें तो सारा के जितने भी ऑफिस हैं सब चालू हैं, खुल रहे हैं, वर्किंग हो रही है, लेकिन हाँ कुछ ऑफिस हमारे जो थे वो एक दूसरे में मर्ज कर दिए गए, क्योंकि पेमेंट्स का ही सारा मैटर था और पेमेंट्स नहीं आ पाने के कारण 2-3 ब्रांचों को एक ही ब्रांच में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन आज भी हमारे ऑफिस बकायदा खुल रहे हैं और काम कर रहे हैं, बस बशर्ते भुगतान नहीं हो रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, अगर ये समस्या भी जल्दी खत्म हो जाती